मैं महेश रूप सिंधानी, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अजमेर। साथियों, एक गाड़ी एक्सी हुई जो 500 जो हमारे यहाँ बीमित थी, उसके वाहन मालिक की एक दुर्घटना के अंदर वाहन चलाते हुए मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु में हमारे पास गाड़ी का बीमा था 6,35,000 का, प्लस उनका खुद का भी बीमा 15,00,000 का हमने उसके अंदर कर रखा था। उसमें जो मृतक मुन्नालाल थे, जो गाड़ी मालिक भी थे, उनकी गाड़ी का हमने पूरा दावा 6,35,000 का भुगतान किया। उसके बाद उनकी श्रीमती जी विमला देवी जी को आज हम 15,00,000 का भुगतान कर रहे हैं। तो ये एक छोटे नॉमिनल प्रीमियम के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क कंपनी कवर करती है, तो ये एक जो परिवार है उसको बड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। अदरवाइज़ हम लोग तो हैंडीकैप हैं कि बाकी कुछ सहायता कर सकें। हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि समय पर और पूर्ण भुगतान किया जाए। तो बस आज उन्हीं को ये 15,00,000 रुपये का चेक देने के लिए, क्योंकि छोटा सा उनको बुला के उनके खाते में आज पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ये चेक उनको हैंड ओवर किया जा रहा है। बाकी आज की तारीख में ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। ये एक्सीडेंट हुआ था आदर्श नगर थाने के अंदर, और हम ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि इसको इनकी औपचारिकता दावा संबंधित सारी कागजों की औपचारिकताओं के 15 दिन के अंदर हम 15,00,000 का भुगतान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की विषय की बात है। सर, हम उनको यही कहेंगे कि अपना जो भी आप जिस भी चीज़ का बीमा कराएं उनके संबंध में पूरी जानकारी ले लें कि आप किस चीज़ का बीमा करा रहे हैं, क्या रिस्क कवर है और क्या उसके अंदर बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जब अभी आपको मैं जिक्र करूं कि एक यहाँ मर्डर केस हुआ था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कोई मीणा ही थे जो मंदिर से बाहर निकले थे और उनको स्विफ्ट के ऊपर गोली मार दी गई थी। हाँ, उनका भी उस टाइम पर 2,00,000 का बीमा होता था। उनके परिवार को पता ही नहीं था कि इस तरीके का बीमा भी हो रहा है। जब वो कागज़ हमारे पास लेके आए 6 महीने बाद, जब उनकी गाड़ी कंप्लीट हो गई, क्योंकि गाड़ी पुलिस में जब्त हुई थी, गाड़ी वहाँ से छूटी, लंबा प्रोसेस था वो काफ़ी, 6 महीने बाद जब वो कागज़ लेके आए तो गलती से हमारी नज़र पड़ी कि उनका ही बीमा हो रहा है। तो हमने उनको 6 महीने बाद वो 2,00,000 रुपये दिए। तो मैं ये निवेदन करूँगा हमारे बीमाकर्ताओं से कि वो थोड़ा सा अपने बेनिफिट जो उस पॉलिसी के अंदर हैं उसको लेकर विजिलेंट रहें, उसकी जानकारी हमारे एजेंट से, हमारे से कभी भी आके प्राप्त कर लें कि इस पॉलिसी के अंदर मेरे बेनिफिट क्या क्या है, और जो बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं उसका पूरा रिस्क कवर करवाएं।